हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सी थ्योरम 2.0 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहला सी थ्योरम युद्ध हुआ था आपका सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किस संदर्भ में अभी चर्चा में है, और सी थ्योरम से आखिर आपका तात्पर्य क्या होता है, सी थ्योरम होता क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के कारण भी देखेंगे और शीत युद्ध 2.0 आखिर क्या है उसे भी देखेंगे। शीत युद्ध 2.0 के कारण क्या है, क्या हो रहा है, हो सकती है इसमें भारत की रणनीति, प्रभाव क्या हो सकते हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शीत युद्ध, पहला शीत युद्ध किसके बीच हुआ था। तो चलिए मैप्स की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आज आप रसिया देख रहे हैं, ये पहला रूस हुआ करता था इसमें, और इसका देखिए रूस ये हुआ करता था, ये रेड कलर दिख रहा है, पूरा रूस का क्षेत्र हुआ करता था, सोवियत संघ कहलाता था पहले रूस आपका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, इसमें से 15 देशों में टूट जाता है आपका सोवियत संघ, जिनमें आपके बाल्टिक देश हैं, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, केंद्रीय एशिया में आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूर्वी यूरोप में आपने देखा है बेलारूस, मालदोवा, यूक्रेन, यूरेशिया में आपका रूस खुद हो गया, ट्रांस कोकेशिया में आपका आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, इस तरह से आपके विघटन हो जाते हैं। ये कजाकिस्तान, ये सभी पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। देखिए तो पहला शीत युद्ध चला आपका इसी सोवियत संघ के और अमेरिका के बीच, किसके, अमेरिका के बीच। और अब जो चल रहा है 2.0, ये आपका अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है, किसके, चीन के, ये आपका चाइना। देखिए ये मंगोलिया ऊपर सीमा लगती है इसकी, रूस से भी, ये आपका भारत हो गया। बीजिंग इसकी राजधानी है चाइना की, ठीक है, और भारत की नई दिल्ली हो गई, ये आपका नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी आपका विवाद जो हिस्सा है चीन वाला, वो यहाँ चल रहा है अक्साई चीन में, पीओके वाले हिस्से से यहाँ चलता रहता है विवाद, और नेपाल से आपका यहाँ विवाद चल रहा है, ठीक है। तो चलिए वापसी हम लोग अपने आर्टिकल पर होते हैं। विगत कुछ समय से अमेरिका और चीन के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में लगातार गिरावट हो रही है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि अमेरिका कई तरह से सैंक्शन भी लगा रहा है, प्रतिबंध भी लगा रहा है चीन पर। ज्ञातव्य है कि पूर्व में यह गिरावट आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित विषयों पर थी, परंतु वैश्विक महामारी को लेकर चीन द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी छिपाने और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर अनावश्यक दबाव बनाने के कारण दोनों देशों के मध्य संबंध राजनयिक व भू राजनीतिक स्तर पर भी खराब हो चुके हैं। आपको पता होगा कि अभी अमेरिका इस वायरस को क्या बोलता है, कोरोना वायरस को चीन वायरस कहता है, चीन वायरस, ठीक है। आप देखते हैं कि WHO को फंडिंग देने से भी मना कर दिया अमेरिका ने, क्योंकि चीन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ना WHO के द्वारा, और WHO ने चीन को छूट भी दी है कुछ इस तरह के मामले में, तो इस पर अमेरिका ने आपकी फंडिंग रोक दी। इन बदलती हुई परिस्थितियों में राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका व चीन के मध्य शीत युद्ध के नए दौर के उदय का संकेत कर रहे हैं। सामान्य तौर पर इस शीत युद्ध 2.0 कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा, क्या शीत युद्ध इस नए दौर को दोनों देशों की जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के पुराने दौर के परिणाम का साक्षी रहा है। तो जो पहला आपका शीत युद्ध हुआ था, ये अमेरिका के बीच और सोवियत संघ के बीच हुआ था। अमेरिकी चिंतकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चीन के साथ शीत युद्ध 2.0 जैसी स्थिति में भारत को उसका सहयोगी साबित होगा, किसका, अमेरिका का, इसलिए अमेरिका की विदेश नीति में भारत को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। आप देख भी रहे हैं कि अमेरिका भी भारत को महत्व भी दे रहा है, किसी भी मामले में देख लीजिए तुरंत अमेरिका आपके साथ खड़ा रहता है। शीत युद्ध से तात्पर्य आपका क्या है,
शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों यानी कि पूर्वी यूरोप देश और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि थी, या कि 1945 से 1991 तक की स्थिति रही है। जब 1991 में आपका सोवियत संघ का विघटन हो गया तब जाकर खत्म हुआ शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों यानी कि एक तरफ आपका सोवियत संघ था, दूसरी तरफ आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था। आप सभी को बता होगा कि इस समय आपका दो शक्ति दिख रही है आपको, चाइना और दूसरी तरफ यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। यह पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत के बीच वैचारिक युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने समूहों के देशों के साथ संलग्न थी यानी कि सम्मिलित थी। शीत यानी कि कोल्ड शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, याद रखिए, यानी कि दोनों आमने सामने वो खड़े होकर प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहे थे। इसमें शीत युद्ध का पहली बार प्रयोग जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख यू एंड द एटॉमिक बम में किया था। शीत युद्ध सहयोगी देशों जिसमें एक ओर अमेरिका के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम फ्रांस आदि शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में अल्बानिया बुल्गारिया रोमानिया जैसे अन्य आश्रित देशों के बीच शुरू हुआ था। आखिर क्या कारण है शीत युद्ध होने शुरू होने के? पोलैंड की सीमाओं के निर्धारण के संबंध में सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड के एक भाग यानी कि सोवियत संघ की सीमाओं से लगा क्षेत्र को बफर जोन के रूप में बनाए रखा जाए, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे। आपके इसके साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इससे सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों की मंशा को लेकर एक संदेह पैदा किया गया, जिसने गठबंधन संबंध को कटु बनाया था। आप सभी को पता है कि 1945 में आपके अमेरिका पर बम गिराए गए थे, उसी के साथ ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए। इतिहासकारों का मानना है कि सिद्धांत के बाद ही शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और उसके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिमी एवं अन्य गैर साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने के लिए एक राजनीतिक सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया गया, जिसे आयरन कर्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन कर्टेन। शीत युद्ध 2.0 क्या है आखिर? संयुक्त राज्य अमेरिका और जनवादी गणराज्य चीन के मध्य प्रारंभ हुआ व्यापार युद्ध अब जुबानी जंग में परिवर्तित हो चला है। दोनों ही देश समाचार पत्रों पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। राजनीतिक विश्लेषकों ने दोनों देशों के बीच चल रहे इस वैचारिक युद्ध को ही शीत युद्ध 2.0 की संज्ञा दी है। आप ही सोचिए कि अगर आप किसी देश को मदद करते हैं, किसी देश को आप ही बनाते हैं और वो आपसे ही अगर आंख दिखाने लगे आपको, तो आपको भी हजम नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि अमेरिका चीन का बहुत अच्छा दोस्त रहा है कुछ समय पहले तक, लेकिन अमेरिका अब नहीं चाहता है कि चीन उसकी बराबरी में जाकर खड़ा हो, क्योंकि आप देख रहे हैं ईरान से जैसे ही अमेरिका हटा, अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिका हटा, WHO से जैसे ही अमेरिका हटा, चीन तुरंत प्रवेश कर गया, यानी कि चीन महाशक्ति बनने की कतार में खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए जहां से अमेरिका हटता है वहां चीन तुरंत एंट्री कर लेता है अपनी। वर्तमान में अमेरिका चीन के विरुद्ध अपने सहयोगियों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। अमेरिका का सहयोगी ऑस्ट्रेलिया प्रभावी रूप से चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि चीन ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। अमेरिका का दूसरा सहयोगी जापान भी चीन के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को सीमित कर रहा है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन के विरुद्ध
घेरेबंदी में भारत एक अहम सहयोगी साबित होगा। वहीं दूसरी ओर चीन भी रूस के साथ मिलकर अमेरिकी घेरेबंदी को तोड़ने का भारत सख्त प्रयत्न कर रहा है। विदित है कि रूस व चीन दोनों ही साम्यवाद की वैचारिक और सांस्कृतिक धरोहर को साझा करते हैं। एशिया महाद्वीप और अपने विरुद्ध हो रही घेरेबंदी में भारत के प्रभाव को इति संतुलित करने में चीन को पाकिस्तान का साथ मिल रहा है। इसके साथ ही चीन को उत्तर कोरिया, तुर्की, सीरिया जैसे देशों का भी समर्थन देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले क्या हुआ करता था कि आपने देखा होगा कि रूस आपका मित्र हुआ करता था भारत का सबसे अच्छा, तो आज रूस आपका पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और अमेरिका हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देशों के लिए ना तो मुझे लगता है कोई स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन, उनका जहां मतलब निकलता है वहां चले जाते हैं। शीत युद्ध 2.0 के कारण देखते हैं अमेरिका व चीन के मध्य विभिन्न विषयों पर लेकर वैचारिक मतभेद ही शीत युद्ध 2.0 की पृष्ठभूमि है। यह मतभेद इस प्रकार है, अमेरिका व चीन के मध्य हालिया मतभेद का कारण कोविड-19 संक्रमण यानी कि कोरोना वायरस संक्रमण व उससे जुड़ी जानकारियां छिपाने को लेकर है। दोनों ही देशों ने कोविड-19 संक्रमण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए, परिणाम स्वरूप उनके मध्य संबंध बन तनावपूर्ण हो गए। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है कोरोना वायरस से, अमेरिका बुरी तरह से हिल चुका है कोरोना वायरस के चक्कर में। अमेरिका व चीन के मध्य कुछ वर्षों से व्यापारिक युद्ध भी चल रहा है जो वर्तमान में चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। व्यापारिक युद्ध संरक्षणवाद की नतीजा होता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होता है। इसके लिए एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैरिफ या टैक्स लगा देता है या उसे बढ़ा देता है। इससे आयात होने वाली चीजों की कीमत बढ़ जाती है जिससे वे घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है, इससे उनकी बिक्री घट जाती है। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हुए हैं तब से वो फर्स्ट अमेरिका की नीति पर काम कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका को महत्व दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष में हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थक के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका ने हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम पारित किया है जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन को इस बात का आकलन करने की शक्ति दी गई कि हांगकांग में अशांति की वजह से इस विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना उचित है या नहीं। चीन की सरकार ने हांगकांग को उसका आंतरिक विषय बताते हुए अमेरिका के इस अधिनियम को चीन की संप्रभुता पर खतरा माना है। हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने उइगर मानवाधिकार विधेयक, यानी कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय है उइगर, विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक में ट्रंप प्रशासन ने से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई जिसके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया। वर्ष 2019 में अमेरिका ने चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे, ये वही है 5G टेक्नोलॉजी दे रही थी, जो पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग का मानना है कि हुआवे द्वारा तैयार किए गए जा रहे उपकरण देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या हो सकती है भारत की रणनीति। गालवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के साथ दोनों ही देशों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। ऐसे में दोनों देशों को शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में पहल करना चाहिए। वर्तमान में परिस्थिति में भारत को किसी भी गुट में शामिल हुए बिना अपना पूरा ध्यान बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू क्रियान्वयन में लगाया जाना चाहिए। चीन के लिए भारत एक बड़ा बाजार भी है, ऐसे में चीन के उत्पादों को प्रतिबंध कर भारत चीन की आर्थिक घेरेबंदी कर सकता है। बदलती वैश्विक स्थिति में भारत को चीन को रोज बनने वाले गठबंधन को परोक्ष रूप से समर्थन देने पर विचार करना चाहिए, परोक्ष रूप से। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विश्व की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ होने से विश्व व्यवस्था दो धड़ों में बढ़ जाएगी। दोनों धड़े एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मार्ग से विचलित हो जाएंगे। दोनों धड़े एक दूसरे के उत्पादों पर अनावश्यक उत्पाद शुल्क लगाएंगे, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हेतु संरक्षणवादी नीतियां अपनाएंगे।
शीत युद्ध 2.0 के प्रारंभ होने से अंतरराष्ट्रीय संगठनों का महत्व कम हो जाएगा। दोनों ही दलों द्वारा परस्पर वर्चस्व स्थापित करने हेतु परमाणु हथियारों की निर्माण बाद उन्हें खरीदने की ओर लग जाएगी। निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है? इस समय पूरा विश्व वैश्विक महामारी COVID-19 से ग्रसित है। ऐसे में शीत युद्ध 2.0 की आग निश्चित ही चिंता का विषय है। सभी देशों को इस समय अपना पूरा ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर लगाना चाहिए। इसके साथ ही ये आर्टिकल समाप्त होता है और अब आपको भी अपना ख्याल रखना है, अपना और अपने परिवार का, क्योंकि सरकार ने आपको छोड़ दिया है। अब इकोनॉमी पे ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो आपको अपनी सेफ्टी रखनी है। ठीक है।